कि यहाँ राउंड है, यहाँ थोड़ा सा राउंड है, फिर ऊपर गया है, यहाँ पे हल्का सा ऐसे कर्व है, ठीक है, नाक बना रहा हूँ तो हल्का ऐसे है, फिर हल्का राउंड है, फिर एक छोटा सा और राउंड है। तो ये जो आउटलाइंस बन रही है ना, एग्जैक्ट आउटलाइंस जिस तरीके से बहुत सारे बिगनर्स ड्रॉ करते हैं, पहली चीज़ ये काफ़ी रॉन्ग अप्रोच होती है। अब बचपन में बनाते थे वो बात अलग है, बचपन में बच्चा कुछ भी बनाता है उसको वो चीज़ें समझानी पॉसिबल नहीं हो पाती, क्योंकि वो अपने हिसाब से जो उसको लग रहा है वो बना सकता है। लेकिन जैसे जैसे हम समझना शुरू करते हैं किसी चीज़ को, तो हम उसके बारे में समझते हैं कि उसकी लाइन्स को हम कैसे ब्रेक करें, लाइन्स को कैसे तोड़ें, कैसे डीकंस्ट्रक्ट करें। फॉर एग्जाम्पल, एक घर बन रहा है, आप इस घर को देखो, ठीक है, बहुत सुंदर घर दिख रहा है। अब आप क्या देख रहे हो? इस घर के बाहर की डिजाइन देख रहे हो, घर के बाहर के कलर्स देख रहे हो, वाह कितना सुंदर घर है। लेकिन इमेजिन करो जब ये घर शुरू से बन रहा था तो अंदर में क्या क्या लगा होगा, हमें वो चीज़ बाहर से नहीं दिख रही है, ठीक है, हमें क्या दिख रहा है, बाहर की सुंदरता। लेकिन वो बाहर की सुंदरता के साथ जो घर मजबूत दिख रहा है, जो मजबूती से खड़ा हुआ है, जो मजबूत टिका हुआ है, वो किसकी वजह से टिका हुआ है? अंदर की वो सारी मेहनत जो करी गई है, जो बाहर लोगों को नहीं दिख रही है। अंदर फाउंडेशन बना, लोहे के छड़ लगते हैं, स्ट्रेंथ लाई जाने के लिए दीवारों में लोहे के छड़ लगे, सीमेंटेड किया गया, ईंटें सही तरीके से लगाई गई कि कुछ गड़बड़ ना हो, बैलेंस किया गया कि इधर का पिलर और इधर का पिलर सेम लेवल पे है कि नहीं, ऊपर नीचे तो नहीं है, सब कुछ बैलेंस में नापा गया, सब कुछ। बहुत चीज़ होती है किसी भी चीज़ को बिल्डअप करते वक्त। तो कंस्ट्रक्शन का सिंपल मतलब है बिल्डअप करना, बिल्डिंग मतलब बिल्ड करना, बनाना, ओके, मतलब अंदर से बनाना, ओके, सिर्फ बाहर से नहीं अंदर से बनाना। तो कंस्ट्रक्शन का साधारण और सिंपल मतलब इतना ही है, आर्ट में भी इसका यही मतलब है। अब आर्ट में हम सबको पता है कि ड्राइंग के बिना आर्ट में इम्प्रूव करना पॉसिबल नहीं है। आपको कितने भी कलर सुंदर लगे, इस घर की तरह आपको बाहर के कितने भी डिज़ाइंस अच्छे लगे, बाहर का कलर कितना भी सुंदर लगे, बाहर की लाइटिंग कितनी भी अच्छी लगे, अंदर से जब तक ड्राइंग स्किल की मजबूती आपके हाथों में नहीं, आपके पास वो नहीं है, तो कुछ भी आप कितना भी सुंदरता में आप बह जाओ, आप इस फील्ड में प्रोफेशनली तो बहुत दूर की बात है, आप हॉबी के तौर पर भी ग्रो होने के बारे में नहीं सोच सकते। तो ये इम्पॉर्टेंट है अंदर की फाउंडेशन को समझना। तो जब हम कंस्ट्रक्ट करते हैं तो हम किसी भी ड्राइंग को डायरेक्टली उसकी आउटलाइन या कॉन्टूअर जो हम कहते हैं वो ना बना के हम पहले सिंपल करने की कोशिश करते हैं, उसको अलग अलग जो बेसिक शेप्स में कन्वर्ट करना, उसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में देखना, उसको एक दूसरे से कंपेयर करके ये चेक करना कि वो ठीक है कि नहीं, आँखें ऊपर नीचे तो नहीं है। इसको चेक करने के लिए हम दोनों आँखों को लेवल करते हैं, अगर सिर टेढ़ा है तो एंगल में चेक करते हैं पहले। अगर मान लो मैं फेस को बना रहा हूँ तो फेस मेरा रेक्टेंगल शेप में है क्या, पहले तो हमने सिंपली देखा कि रेक्टेंगल शेप में है क्या, उसके बाद देखा कि रेक्टेंगल शेप तो एक बेसिक शेप थी, उसके बाद कहीं कट हो रहे हैं, मतलब यहाँ पे थोड़ा सा एंगल आ रहा है, तो हमने वो ऐड किया। उसके बाद हमने देखा कि आंखें कहाँ पे आएंगी, तो एक मार्किंग दी आंखों, आंख नाक मुंह के लिए एक छोटी सी मार्किंग दी, उसके ऊपर पहले सिंपल किया, पहले सिंपल लाइन खींची, दो एंगल खींचे, एक लाइन खींची, नाक बन गया, ठीक है, ये सिंपल कर दिया। अभी सिंपल के ऊपर यहाँ पे एक सर्कल है, यहाँ एक सर्कल है, ये बीच में एक सर्कल है, यहाँ एक रेक्टेंगल है या ट्राइंगल है, जो भी हम जिस तरीके से उसको देखना चाह रहे हैं, इस तरीके से छोटे 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 टुकड़ों में हम देखते हैं। और वो सारे टुकड़ों को हमें देखना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ये जो हम सीख ले रहे हैं ना, ये कंस्ट्रक्शन की जो नॉलेज हम ले रहे हैं, ये हमें कॉम्प्लेक्स ड्राइंग के वक्त भी काम आती है। शुरू में तो आप शुरू में सिंपल चीज़ें लो, आज मैं पोर्ट्रेट का एग्जांपल ले रहा हूँ, लेकिन आपको पोर्ट्रेट लेना नहीं है, आप शुरू में स्टिल लाइफ ले सकते हो, स्टिल लाइफ में भी ईजी सब्जेक्ट, ओके, एक सिंपल सा कोई कप ले लिया या कोई सिंपल सा सब्जेक्ट लेके उसमें ये चीज़ें ट्राई करके देख सकते हो कि कप की आउटलाइन बनाने के बजाय कप की लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है, उसके बाद धीरे 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 पहले सिंपल स्ट्रेट लाइंस में कन्वर्ट किया, फिर उसको तोड़ तोड़ के उसमें चीज़ें ऐड करनी शुरू की। वैसे ही ये चीज़ें जब हम सीख जाते हैं तो हम कितने भी डिफिकल्ट सब्जेक्ट हो उसको हम सिंपल फॉर्म में देखना शुरू कर देते हैं, उसके बाद धीरे धीरे उसमें कॉम्प्लेक्सिटी ऐड कर पाते हैं। अब जब हम कंस्ट्रक्शन को करते हैं ना, तो ये हमें बाकी जो स्टेजेस आने वाले हैं, फॉर एग्जांपल हमें शेडिंग्स ऐड करनी है, वैल्यूज ऐड करने हैं, या कोई भी कलर मीडियम ऐड करना है, उसमें हम लोग को एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन मिल जाता है। एक छोटा सा घर बना रहा हूँ मैं, एक छोटी सी झोपड़ी बना रहा हूँ, उसमें एक बेसिक लेवल का मैंने बेस बना दिया, ऊपर से डिज़ाइन बना दिया, तब भी कंस्ट्रक्शन हो रहा है। एक बहुत बड़ी बिल्डिंग बनानी है तो भी अंदर फाउंडेशन बन रही है, लेकिन वहाँ का अंदर का फाउंडेशन थोड़ा डिफिकल्ट होता है, बहुत सारे फाउंडेशन लेवल पे काम होते हैं, लेकिन वहाँ पे भी फाउंडेशन होती है। तो चाहे वो बिगिनर हो, चाहे वो एडवांस लेवल का कोई आर्टिस्ट हो, ये कंस्ट्रक्शन, ये ड्राइंग स्किल्स हर जगह सबको इंपॉर्टेंट
होती है, सबको सीखनी पड़ती है, समझनी पड़ती है। आज के इस लेसन में मैं पोर्ट्रेट का एग्जांपल ले रहा हूँ और बहुत सारी चीज़ें कंस्ट्रक्शन करते समय हमें आगे के लेवल पे किस तरीके से हेल्प करती हैं, कैसे शेडोज हमें बनाने होते हैं, तो कैसे कंस्ट्रक्शन के लेवल पे भी हम वो चीज़ों को तैयार करते हुए चलते हैं, वो सारी बातें हम इस लेसन में समझेंगे। तो इस लेसन को ध्यान से देखना, थोड़ा सा एडवांस लेसन है काफ़ी लोगों के लिए, मैं मानता हूँ ये कंप्लीट बिगिनर लेसन नहीं होगा, थोड़ा सा हल्का सा एडवांस लेसन है, लेकिन इन्फॉर्मेशन ले सकते हो आप। वीडियो को ध्यान से देखना, अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट में पर्पल हार्ट टाइप जरूर करना, इनफैक्ट अभी से टाइप कर दो, देख के अच्छा लगता है। लाइक जरूर करना अगर आप चाहते हो कि मैं ऐसे टॉपिक्स को भी कवर करूं, और आप चाहते हो कि मैं और सिंपल टॉपिक्स भी लूं, थोड़े इजी सब्जेक्ट लूं, पोर्ट्रेट को डायरेक्ट ना लेके थोड़े इजी सब्जेक्ट मैटर भी लूं, तो मुझे कमेंट में बताना। तो इसी के साथ शुरू करते हैं आज का ये लेसन। एंड हाँ, कंस्ट्रक्शन वर्ड जरूर लिखना कमेंट सेक्शन में, जैसे कि मैं बोलता हूँ, इससे आपकी नॉलेज बढ़ेगी, आपको याद रहेंगे सारे वर्ड्स। ठीक है, कंस्ट्रक्शन कमेंट में लिखना जरूर। अब शुरू करते हैं आज का ये लेसन। तो सबसे पहले पोर्ट्रेट बनाते वक्त हमें ये ध्यान देना है कि जो इसकी एनवलपिंग है, यानी कि जो सबसे बड़ी बड़ी लाइन्स हैं, वो सही जगह पर है कि नहीं। क्योंकि कंस्ट्रक्शन जब हम करते हैं तो हम सडनली किसी छोटी जगह पर जंप नहीं करते हैं। जैसे मैंने आपको घर का एग्जाम्पल दिया कि घर बनते समय पहले फाउंडेशन बनती, तो ये है फाउंडेशन जो हम शुरू में इनिशियल मार्किंग करते हैं। जैसे घर के लिए फाउंडेशन बनते समय पहले गड्ढे खोदते हैं अच्छे से, जहाँ पे छड़ें लगती हैं और वो सबसे ज़्यादा मजबूत होना चाहिए। वैसे ही एक पोर्ट्रेट बनाते वक्त या कोई और सब्जेक्ट बनाते वक्त भी, सिर्फ पोर्ट्रेट की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, लैंडस्केप बनाओ, फिगर बनाओ, कुछ भी बनाओ, इनिशियल मार्किंग, पहले जो कुछ लाइंस बनती हैं वो सही होने ज़रूरी हैं। तो यहाँ जो मैं बना रहा हूँ अभी, उसे कहते हैं इनिशियल मार्किंग्स। एक बार कमेंट सेक्शन में लिखना इनिशियल मार्किंग्स या प्लेसमेंट, प्लेसमेंट भी बोलते हैं, लेकिन क्योंकि इनिशियल स्टेज पे है तो इनिशियल मार्किंग्स में यहाँ पे आपको यहाँ पे बोल के समझा रहा हूँ। तो शुरू किए जो कुछ लाइंस हैं वो कितनी बड़ी हैं, उसके एंगल क्या हैं, वो सारे सही होना ज़रूरी है, तब जाके फिर हम अंदर और कंस्ट्रक्शन करते जाएंगे। तो ये कुछ लाइंस हैं, इस स्टेज पे आपको सबसे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है, क्योंकि यही स्टेज डिसाइड करता है कि आने वाला स्टेज आपका कितना अच्छा होगा। यहाँ पे मैं लूमीज़ मेथड का जो छोटा फार्मूला होता है कि ये दिस इक्वल्स टू दिस, जो रूल ऑफ थर्ड होता है उसके ऊपर मैं थोड़ा सा उसको भी इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ। ठीक है, तो लूमीज़ मेथड मैंने कई टाइम पहले उसके ऊपर भी लेसन बनाया था, मेरे चैनल पे अवेलेबल होगा, या फिर आप यूट्यूब पे सर्च करोगे लूमीज़ मेथड ड्राइंग बाय रेयांश राहुल, ऐसा कुछ सर्च करोगे तो आ जाएगा। यहाँ पे लूमीज़ मेथड हमें सिंपली ये कहता है कि जो हमारा हेयर जहाँ से स्टार्ट होता है, वहाँ से लेके जो ब्रोरी जो आईब्रो पार्ट होता है, आईब्रो से लेके नोज़ का बॉटम पार्ट होता है, बॉटम पार्ट से लेके चिन का पार्ट होता है, ये तीनों ऑलमोस्ट इक्वल होते हैं। ओके, तो वो चीज़ मैं यहाँ पे रफली देख रहा हूँ, हालांकि हर जगह सेम नहीं होता है, लेकिन ये एक स्टैंडर्ड है। ओके, अब मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा फास्ट करके दिखा रहा हूँ, जो चीज़ आपको शुरू में मैंने लाइंस लगा के दिखाई, वही लाइंस अब मैं कुछ और एरियाज में लगा रहा हूँ, जैसे बियर्ड हो गई या आँखों का जो बाहरी हिस्सा है उसके लिए। तो ये शुरू का पार्ट है जहाँ पे हम हर एक पार्ट के लिए, हर एक फीचर के लिए एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। ओके, कान कहाँ पे आ रहे हैं, नाक कहाँ पे आ रहे हैं, और इसके लिए बहुत सिंपल रूल है कि आईब्रो के नीचे कान का टॉप आता है, नोज़ के नीचे कान का निचला हुआ हिस्सा आता है। तो ये कुछ बेसिक बातें हैं, इसमें कोई बहुत ज़्यादा गहरी बातें नहीं है, बहुत बेसिक बातें। बस प्रॉब्लम ये होती है कि हमारी ये चीज़ें सही इसलिए नहीं होती क्योंकि हम ये चीज़ें समझने के बाद उसको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करते। तो प्रैक्टिस आपको बहुत ज़रूरी है, करते रहना। और आपको मैं एक रूल भी बताऊँगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट समझना, उस रूल का नाम है, कॉमेंट में लिखना ज़रूर, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। रूल का नाम है Start over finish। इसको लिखो जरूर कमेंट में। Start over finish का मतलब ये होता है कि जो स्टार्ट वाला पार्ट है, किसी भी आर्टवर्क का स्टार्टिंग पार्ट है, वो ज्यादा हमें सिखाता है एज कंपेयर टू फिनिश वाला पार्ट। तो स्टार्ट ओवर फिनिश मतलब कि अगर स्टार्ट और फिनिश ये दोनों में से आपको चूज करना पड़े तो आप हमेशा चूज करना स्टार्ट को। ठीक है, जैसे कई सारे लोग क्या सोचते हैं कि हम ड्राइंग को ट्रेस कर लेंगे, छाप लेंगे, ठीक है, ट्रेस कर लेंगे किसी चीज़ से, और सिर्फ कलर करेंगे, सिर्फ शेडिंग करेंगे।
तो वहां पे वो क्या चूज कर रहे हैं, फिनिश ओवर स्टार्ट, स्टार्ट को छोड़ के फिनिशिंग पे फोकस कर रहे हैं। बट जो समझने वाली बात यह है कि फिनिशिंग तभी आएगी, फिनिशिंग के लिए तैयार हम तभी होंगे जब हमारा स्टार्ट स्ट्रांग होगा। तो स्टार्ट ओवर फिनिश रूल ये कहता है कि अगर आपके पास शुरू में जब आप सीख रहे हो तो फिनिशिंग को ज्यादा फोकस ना दें, स्टार्ट वाले पार्ट को ज्यादा फोकस दें। जब मैंने यहाँ पे इनिशियल मार्किंग्स दे दी तो मैं यहाँ पे कर्वेचर ऐड कर रहा हूँ, कर्व्स ऐड कर रहा हूँ, मैंने स्ट्रेट लाइन में सारी चीजें ऐड कर दी। ये था हमारा इनिशियल मार्किंग्स। अब जब हमें पता चल गया कि आँख यहाँ पे आ रही है, नाक यहाँ पे आ रहा है, लिप्स के लिए हमने रफ लाइन छोड़ दिए। अब कई सारे आप में से सवाल भी ये भी हो सकता है कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि नाक एग्जैक्टली यहीं पे आएगी? नहीं पता चलता, मैं मुझे भी अभी नहीं पता है कि नाक मैंने जो लाइन खींची है वो एग्जैक्ट है कि नहीं है, मैंने जो लिप्स के लिए लाइन खींची है वो एग्जैक्ट है कि नहीं है, मुझे भी नहीं पता। जब मैं बनाता जाऊँगा तो मैं ऑब्जर्व करता रहूँगा कि क्या थोड़ा ऊपर होना चाहिए, क्या थोड़ा नीचे होना चाहिए, तो मैं उसको थोड़ा थोड़ा ठीक करता रहूँगा, मिटा के ठीक करता रहूँगा। अब क्योंकि मैंने बहुत बार मैंने बनाया है, मैंने बहुत सारी गलतियाँ ऑलरेडी, हज़ारों गलतियाँ पास्ट में करी हुई हैं, तो मेरा गैसिंग, मेरा एस्टिमेट आपके एस्टिमेट से थोड़ा बेटर है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसको नहीं सीख सकते, आप सीख सकते हो, बस आपको जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ उसको आपको ध्यान से सुनना है, समझना है, रिपीट मोड में इस लेसन को देखना है और आपको इन चीज़ों की प्रैक्टिस करनी, जो मैं आपको यहाँ प्रैक्टिकली करके दिखा रहा हूँ। तो आपने देखा जब मैंने नाक की मार्किंग दे दी उसके बाद मैं वहाँ पे कर्व ऐड कर रहा हूँ, ठीक है, धीरे 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 कर्व ऐड कर रहा हूँ। तो हम कंस्ट्रक्शन में नीचे से ऊपर की तरफ बिल्डिंग में बढ़ रहे हैं, पहले हमने गड्ढा खोदा, छड़ें लगाई, ठीक है, अच्छे से, उसके बाद उसको फिलअप करके धीरे धीरे हम दीवार खड़ी करें। अब दीवार खड़ी तुरंत नहीं होती है, एक एक ईंट रखते रखते दीवार खड़ी होगी। तो एक एक ईंट अगर रखना है तो समझना पड़ेगा कि आपको एक बार में जंप नहीं करना कि डायरेक्ट कर्व बना दिया, डायरेक्ट गोला बना दिया, आँखों का ये प्यूपिल वगैरह बनाने लग गए। धीरे धीरे पहले ओवरऑल बनाया, फिर उसको धीरे धीरे अंदर गए, बाहर से अंदर की तरफ धीरे धीरे घुस रहे हैं। अब जैसे ही हमें पता चल गया कि आँख यहाँ पे हमने मार्किंग कर रखी थी शुरू से, तो हम धीरे धीरे उसमें कर्व ऐड कर रहे हैं, पहले सीधी लाइन खींची थी अब उसमें कर्व ऐड कर रहे हैं, ठीक है। आंखों में भी मैंने वही किया, नाक में मैंने वही किया, मैंने साइड में दोनों इमेज यहाँ पे ऐड करवाई हैं। आप देखो कि आंखों को मैं किस तरीके से देख रहा हूँ, नाक को मैं किस तरीके से देख रहा हूँ। शुरू में हम पूरा चेहरा देखते हैं, ठीक है, पूरा चेहरा का लाइंस देखते हैं, जैसे जैसे हम अंदर जाते जाते हैं हम सिर्फ हमारा जो नज़र होता है हम एक एक चीज़ देखते हैं। फिर पहले आंखों को ठीक कर रहे हैं तो आंखों को ध्यान देते हैं, नाक ठीक कर रहे हैं नाक को ध्यान देते हैं, मुंह बना रहे हैं लिप्स बना रहे हैं लिप्स को ध्यान देते हैं। वो धीरे धीरे होता है। बहुत सारे बिगिनर जो बहुत बड़ी गलती करते हैं वो डायरेक्ट आंख बना लेते हैं या डायरेक्ट नाक बना लेते हैं या डायरेक्ट होंठ बनाने लग जाते हैं बिना ओवरऑल कंस्ट्रक्शन को करे। ये बहुत बड़ी गलती है, हो सकता है वो आपसे हो जा रही हो, आप मोबाइल में जूम करके बना रहे हो, जैसे बहुत सारे लोगों को देखा है कि इस तरह के लेसन वो देते हैं, वो एक बार हो जाएगा, वो आप फोटो से देख के जूम करके, मोबाइल को जूम करके सेम साइज की फोटो को बगल में रख के आप बना सकते हो, लेकिन ओवरऑल आपको बहुत बड़ा नुकसान होगा, वैसे मत बनाना, ठीक है। बहुत सारे लोग उस तरीके से ड्राइंग सिखा रहे हैं, वो सही अप्रोच नहीं है ड्राइंग को सीखने का। वो ड्राइंग हो सकता है उससे आप पोर्ट्रेट बना लो, शेडिंग वेडिंग करके आप एक लेवल तक सुंदर कर लो, लेकिन उससे वास्ट वैरायटी नहीं मिलती है। आप पोर्ट्रेट को मोबाइल्स को जूम कर करके ही बना पाओगे, फिर कभी आप लाइव नहीं बना पाओगे, आप प्लेन एयर नहीं कर पाओगे, लाइव ड्राइंग नहीं कर पाओगे। आपको कभी चैलेंज मिलेगा, मान लो आपको कोई चीज़ समझानी है, कोई चीज़ का स्ट्रक्चर को समझना है या किसी चीज़ में वॉल्यूम ऐड करना है, तो बहुत मुश्किल आएगी। इसीलिए कंस्ट्रक्शन इसलिए ज़रूरी होती है ताकि हम बेस लेवल पे चीज़ों को समझ सकें कि चेहरे की बनावट कैसी है। ये फोकस शुरू में मत करो कि मेरा फेस जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ या ड्रॉ कर रही हूँ वो एग्जैक्ट वैसा दिखेगा कि नहीं दिखेगा जैसा मैंने फोटो लिया है। हाँ, वो हमारी कोशिश रहती है कि हमने जो रेफरेंस इमेज लिया है हम वैसे ही बनाएं, क्योंकि हम किसी का चेहरा बना रहे हैं, किसी का पोर्ट्रेट बना रहे हैं, तो हमारी ड्रॉइंग वैसी ही दिखेगी, तभी हम बोल सकते हैं कि हाँ हमने इसका चेहरा बनाया है। लेकिन उससे भी पहले ये समझो कि जैसे मैंने फॉर एग्जाम्पल आपको क्लास में फर्स्ट आना है, आप अपनी क्लास में फर्स्ट आना चाहते हो, तो एक तो तरीका देखो, यहाँ पे मैं ये लाइन देख रहा हूँ, ठीक है, शेडो शेप्स इसको बोलते हैं, शेडो शेप्स, ये जो परछाई की लाइन बन रही है मैं उसको ड्रॉ कर रहा हूँ। तो कंस्ट्रक्शन में इसको भी आपको ड्रॉ करना होता है। कई सारे लोग परछाई की जो लाइन बन रही होती है उसको छोड़ देते हैं, क्योंकि वो तो परछाई है ना, वो चेहरे पे थोड़ी है, ये सोच के छोड़ देते हैं। लेकिन जब आप कंस्ट्रक्ट कर रहे हो तो ये परछाइयाँ की जो लाइन आ रही है, परछाइयों की, उसको आपको बनाना ज़रूरी है। तो जो मैं एग्जांपल दे रहा था कि अगर आपको फर्स्ट आना है क्लास में, तो आप ये नहीं देखोगे कि मेरा एग्ज़ाम कैसा जाएगा, आप ये देखोगे कि डेली जो आपकी पढ़ाई चल रही है वो कितनी अच्छी हो रही है,
ओके अगर आप डेली अच्छा कर रहे हो, डेली चीजों को सीख रहे हो, डेली चीजों को अच्छा कर रहे हो, तो ऑटोमेटिकली अपने आप आपका एग्जाम अच्छा चले ही जाएगा, क्योंकि एग्जाम में वही आएगा जो आपके सब्जेक्ट मैटर में है, जो आपके सब्जेक्ट में पढ़ाया गया या फिर जो आपके सब्जेक्ट में हो सकता है। तो आप डेली अपने सब्जेक्ट के ऊपर काम कर रहे हो, एग्जाम में ऑटोमेटिकली आप अच्छा परफॉर्म कर दोगे। वैसे ही अगर आप बहुत ज़्यादा टेंशन इस बात की नहीं ले रहे हो कि मेरा फेस जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ये ड्रॉ कर रही हूँ, वो मैच करेगा कि नहीं करेगा, और आप सिर्फ ये फोकस कर रहे हो कि प्रोपोर्शन सही आ रहा है कि नहीं, एंगल सही आ रहा है कि नहीं, आंखें सही जगह पे आ रही हैं कि नहीं, नाक सही जगह पे आ रहा है कि नहीं, बातों को समझ के करोगे, ओके? सिर्फ इसलिए नहीं कि मेरी ड्रॉइंग एग्जैक्ट रेफरेंस इमेज की तरह मैच हो जाए, क्योंकि वो शॉर्टकट मारने के चक्कर में बहुत लोग लंबे रेस के घोड़े नहीं बन पाते हैं। और अगर आपको लंबा रेस का घोड़ा बनना है, तो आपको सारी ऊपर नीचे आगे पीछे हर चीज़ हर बात को समझना ज़रूरी है, क्योंकि उसी से ही आपका स्कोप खुलता है। और जितने लोग प्रोफेशनली जाना चाहते हैं इस फील्ड में, उनके लिए तो ये चीज़ें समझनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको सिर्फ ड्राइंग अपने लिए नहीं करनी होती कि आप थोड़ा बहुत शेडिंग करके सुंदर बना दिया और अच्छा लग गया। आपको आर्ट को समझना पड़ेगा, आपको अपने सब्जेक्ट को समझना पड़ेगा। यहाँ पे आप देखो कि मैं शेडो की शेप्स बना रहा हूँ, मैंने यहाँ पे सर्कल में दिखाया है, जब मैं लिप्स बना रहा हूँ तो लिप्स के नीचे शेडो आ रही है, यहाँ पे शेडो की भी शेप्स बना रहा हूँ मैं, ठीक है? इससे क्या होता है कि आपको समझ में आ रहा होता है कि कौन सी चीज़ कहाँ बन रही है, क्योंकि जब आप नेक्स्ट स्टेज पे जाते हो, जब आप शेडिंग्स ऐड करते हो, वैल्यूज ऐड करते हो, या कोई कलरिंग ऐड करते हो, ऑयल हो, वाटर हो, अब वो फर्क नहीं पड़ता, कोई भी कलरिंग ऐड करते हो, तो आपको समझना पड़ता है कि लाइट एरिया कौन से हैं, शेडोज एरिया कौन से हैं। लाइट और शेडो को डिफाइन कर पाओगे तब आप थ्री डायमेंशनल लुक अपने चेहरे पर ला पाओगे। यहाँ पे चेहरे में भी, फेस में भी, ये फ्रंट माथा है, फिर ये साइड गया है, ओके, फ्रंट साइड। तो ये फील आपको ड्राइंग के लेवल पे अगर आपको समझ पा रहे हो, तो वो चीज़ आप कलरिंग करते वक्त भी कर पाओगे। आप शेडिंग कर रहे हो, चारकोल से करो, पेंसिल से करो, किसी से भी करो, आप कर पाओगे अगर आपको पता रहेगा कि यहाँ लाइट ज़्यादा आ रही है, यहाँ पे शेडो आ रही है, तो ये एरिया थोड़ा डार्क होगा। तो इसी को बोलते हैं फंडामेंटल, कि आपको पता है फंडामेंटल लेवल पे क्या चल रहा है, इस चेहरे में क्या चल रहा है। अगर आपको पता है पीछे की कहानी, तो ऊपर के लेवल पे आप बहुत आगे लेवल तक पेंटिंग, स्केचिंग, जो भी करना चाहो कर सकते हो। तो यहाँ पे मेरा फोकस है आपको समझाना, फंडामेंटल लेवल पे स्ट्रांग होना ज़रूरी इतना ज़्यादा क्यों है, ओके? मैं समझ रहा हूँ कि स्ट्रक्चर कैसा होता है, चीज़ों की बनावट कैसी है। आँखें, ये एक प्लेन है, फिर नीचे गई, फिर थोड़ा अंदर गई, फिर ये गला अंदर चला गया। तो जैसे जैसे चेहरे की बनावट होती है, लाइट आ रही है, तो लाइट उसी तरीके से ही एक्ट करेगी। यहाँ लाइट पड़ रही है, ये ज़्यादा लाइट है, थोड़ा लाइट ये साइड हुआ चेहरा तो कम लाइट है, थोड़ा चेहरा और अंदर की तरफ मुड़ा तो और कम लाइट है, चेहरा यहाँ गले के पार्ट आ गया, अंदर आ गया, तो यहाँ पे ज़्यादा परछाइयाँ हैं, थोड़ा ज़्यादा डार्क है। तो ये जो फेनोमेना चल रहा है हमारे चेहरे पे या कहीं पे भी, ओके, चेहरा का एग्जांपल दे रहा हूँ, लेकिन अगेन मैं वही बोलना चाहूँगा कि हर जगत में लागू होता है, क्योंकि प्रिंसिपल्स जो होता है वो हर सब्जेक्ट पे लागू होता है। लोग, बहुत सारे बिगनर्स, एक और गलती जो बहुत बड़ी गलती करते हैं, वो ये सोचते हैं कि चेहरे के लिए हमें कुछ और सीखना पड़ेगा, लैंडस्केप के लिए कुछ और सीखना पड़ेगा। नहीं, फंडामेंटल प्रिंसिपल हर एक सब्जेक्ट पे लागू होता है। अगर आपको ये जो मैंने अभी बोला, लाइट का कैसे लाइट एक्ट कर रही है, अगर आपको वो समझ में आ रहा है, तो वो हर जगह पे करेगा। वो पेड़ बनाओ, आप किसी का फिगर बनाओ, हर जगह पे वो चीज़ें एक्ट करेंगी, वो चीज़ें लागू होंगी। अभी मैं नोज़ ड्रॉ कर रहा हूँ, तो नोज़ को मैंने शुरू कैसे किया था, रफली लाइंस खींची थी कि नोज़ यहाँ पे आएगा, फिर धीरे धीरे कर्व ऐड किए, ठीक है, धीरे धीरे कर्व ऐड किए। अब मैं स्ट्रक्चर ऐड कर रहा हूँ कि यहाँ पे ये प्लेन्स हैं, ये साइड प्लेन है, ये फ्रंट प्लेन है, ये साइड प्लेन है, तो मैं स्ट्रक्चर को समझ रहा हूँ, ठीक है, उसको और तोड़ रहा हूँ कि यहाँ पे नाक फ्लैट नहीं है, हमारी नाक ऐसे चिपटी पचकी भी नहीं है, इसमें एक वॉल्यूम है, तो उसको मैं समझ रहा हूँ कि ये फ्रंट साइड प्लेन है, ये फ्रंट प्लेन है। अब जब आप इसको जितनी बारीकी से समझते हो, अब इसको आप करोगे प्रैक्टिकली, तब तो समझ में आएगा, ओके, ये जो बनावट है इसको आप रियल लाइफ में भी सीख सकते हो। आप अपनी नाक को देखो घूमते फिरते अपने आईने के सामने, आप दूसरों की नाक को देखो, यहाँ पे सिर्फ नाक की बात नहीं कर रहा हूँ, हर एक चीज़, ओके, किसी के चेहरे को देख रहे हो, अपने घर को देख रहे हो, बाहर देख रहे हो, घूम रहे हो, फिर रहे, कहीं भी जा रहे हो, देखो नेचर को, क्या बनावट है उसकी, क्या स्ट्रक्चर है उसका। क्योंकि जितना आप इन चीज़ों को समझोगे ना, आपकी जर्नी उतनी ही ज़्यादा आसान होती जाएगी, क्योंकि आप समझोगे अपने सब्जेक्ट को। एक होता है सब्जेक्ट को बस उतार देना कि मैंने तो ये किसी का चेहरा देखा, हम पोर्ट्रेट बना। कई लोग पूछते हैं कि हम सर हमें पोर्ट्रेट सीखना है, हमें पोर्ट्रेट में इंटरेस्ट है। पोर्ट्रेट अलग नहीं होता है आर्ट के बेस से, ड्राइंग से, स्ट्रक्चर से।
क्योंकि आप गलत दिशा में जा रहे हो। ये चीज़ें अगर आप पूछ रहे हो तो आप गलत ट्रैक में जा रहे हो। इसलिए मैं चाहता हूँ आप लोग क्लियर हो जाओ अपने आप में कि आपको पोर्ट्रेट सीखने की जरूरत नहीं है। आपको सीखना है कि सीखते कैसे हैं, आपको ये सीखना है कि किसी भी चीज़ को बनाते कैसे हैं। तो पोर्ट्रेट आप इजीली सीख सकते हो अगर आप बनावट समझते हो किसी भी चीज़ को कैसे बनाया जाता है, तो आप इजीली उसको बना सकते हो। अब ऐसा तो नहीं होता ना, जो लोग पोर्ट्रेट आर्टिस्ट होते हैं दुनिया में 100 करोड़ 500 करोड़ लोग हैं, अब सबका चेहरा बनाते हैं, लेकिन वो बेसिक समझ जाते हैं, चेहरे को बेसिक समझ जाते हैं। बेसिक समझ गए तो फिर किसी का भी चेहरा हो वो बना लेते हैं, क्योंकि बेस हर जगह सेम अप्लाई होता है। आंखें बनानी कहाँ है, पहले मैंने उससे शुरुआत की, धीरे धीरे कंस्ट्रक्शन ऐड किया, थोड़े से और कर्व ऐड किए, अब धीरे धीरे चीज़ों को मैं ऐड कर रहा हूँ। धीरे धीरे यहाँ पे इस लेवल पे वॉल्यूम समझ में नहीं आएगा आपको, यहाँ पे बस मैं लाइंस ऐड कर रहा हूँ तो लाइंस में वॉल्यूम समझ में नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पे आप अपने लिए बनाते हैं। ये स्ट्रक्चर हम लोग क्यों बनाते हैं? अपने लिए बनाते हैं। घर बनता है तो उसकी बाहर की खूबसूरती दूसरों के लिए होती है, लेकिन अंदर का स्ट्रक्चर जो बन रहा था वो अपने लिए होता है, क्योंकि वहीं पे स्ट्रेंथ होती है। तो ये जो मैं लाइंस ऐड कर रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ कि ये आँख अंदर गई है, यहाँ पे एक सर्कल शेप बन रहा है, या यहाँ पे एक शेप बन रहा है, या ये आँख का ये शेप है, ये जो समझ रहा हूँ मैं, ये मैं अपने आप को समझा रहा हूँ, किसी और को नहीं। क्योंकि इसको मैं जितना समझूंगा, पेंटिंग करते वक्त कलर ऐड कर रहा हूँ या इसमें शेडिंग्स वैल्यूज ऐड कर रहा हूँ, डार्क लाइट ऐड कर रहा हूँ, इसको रियलिस्टिक बना रहा हूँ, तो उस समय वो जो दिखेगा वो दूसरों को दिखेगा, ठीक है। वो बाहरी खूबसूरती दूसरों को दिखेगी, तो वो खूबसूरती और ज़्यादा अच्छे से निखर के सामने आ पाएगी अगर मैं इसके अंदर के लेवल की चीज़ों को समझ सकता हूँ तो, ठीक है। इसीलिए इन चीज़ों को करते रहना ज़रूरी है। आपका टास्क यही है कि आप इस तरीके के कोई भी सब्जेक्ट लो, हो सकता है पोर्ट्रेट लो, लेकिन शुरू में मैं यही रिकमेंड करूँगा कि थोड़ा इजी सब्जेक्ट लो। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने एक स्टिल लाइफ लिया है तो उसको बनाओ, तो सिर्फ आउटलाइंस मत बनाओ, आउटलाइंस को पहले बनाओ, यानी कि सिर्फ आउटलाइंस बनाओ, आउटलाइंस पहले सिंप्लीफाई करो कि कौन सी चीज़ कहाँ पे आएगी प्रोपोर्शन के लेवल पे, फिर स्ट्रक्चर देखो कि कौन सी चीज़ का स्ट्रक्चर कैसा है, उसको तोड़ तोड़ के देखो कि शेडोज़ की शेप्स कहाँ पे आ रही, परछाइयाँ की शेप कहाँ पे आ रही, उसको भी ड्रॉ करो, धीरे धीरे उसको समझो, क्योंकि जितना आप प्रैक्टिकली करके देखोगे आपको उतना समझ में आएगा। यहाँ मेरा काम है आपको बेसिक पॉइंट समझाना, ताकि जब आप अपने साथ इन चीज़ों की प्रैक्टिस करो तो आप अपने सब्जेक्ट के साथ समय बिताओ। स्टिल लाइफ रखो सामने, स्टिल लाइफ के पास बैठो और उसके साथ समय बिताओ, अपने सब्जेक्ट के साथ समय बिताओ, दोस्ती करो, अपने सब्जेक्ट से प्यार करो, और तभी आप ड्राइंग से जुड़ पाओगे, कंस्ट्रक्शन से समझ पाओगे कंस्ट्रक्शन को, और उसके डीप लेवल पे उसको टच कर पाओगे। तो यहाँ मैंने अपनी लाइंस बनाई है अपने चेहरे को लिए, अपने पोर्ट्रेट को लिया। आप कोई सिंपल सब्जेक्ट लो एंड स्लो स्लो आप अपने पोर्ट्रेट को भी ड्रॉ करो एंड शेयर करो, एंड इंस्टाग्राम पे मुझे ज़रूर टैग करना। तो आई होप कि आपको आज का ये लेसन अच्छा लगा हो, और जैसे कि मैंने बताया कि और आप सिंप्लीफाइड टॉपिक्स को चाहते हो कि मैं कवर करूँ, तो कॉमेंट में लिख के बताना, पर्पल हार्ट टाइप करना, कंस्ट्रक्शन वर्ड ज़रूर लिखना। एंड इससे पहले कि मैं वीडियो एंड करूं, मैं आप सबको दिल से थैंक यू भी बोलना चाहता हूं, क्योंकि ड्राइंग मास्टरी ट्रेनिंग इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट रिकमेंडेड ट्रेनिंग, वन ऑफ द मोस्ट लव्ड ट्रेनिंग बन चुकी है, और इसके इतने सारे रिव्यूज़ और इतने सारे प्यार पूरे देश भर से और देश के बाहर से भी मिल रहा है, जिसके लिए मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ। मैंने इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट भी डाला था कि हाउ ड्राइंग मास्टर बिकम इंडियाज मोस्ट लव्ड आर्ट ट्रेनिंग, इसके अंदर बहुत सारे कुछ रिव्यूज़ है जिसकी वजह से बहुतों को हेल्प मिली है, तो वो आप पढ़ना ज़रूर, आपको भी बहुत अच्छा फील होगा, और वहाँ पे कमेंट भी ज़रूर करना, वो देख के मुझे बहुत अच्छा फील होगा। सो अब मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन कीप क्रिएटिंग, आज के चैप्टर को प्रैक्टिकली करके भी ज़रूर देखना, एंड टेक केयर एंड लव यू ऑल।